जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, राजनेता अपने कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और उनसे राय मशवरा ले रहे हैं। इसी कड़ी में चंद्रपुर विधानसभा में पूर्व मंत्री नोबेल वर्मा द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका नाम था हम सभी का सपना चंद्रपुर हो अपना, जिसमें हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए। नोबेल वर्मा और उनके परिवार भी कार्यक्रम में मौजूद रहा। नोबेल वर्मा ने मीडिया से कहा कि चंद्रपुर विधानसभा में पैराशूट लैंडिंग नहीं चलेगी, साथ ही उन्होंने कहा चंद्रपुर विधानसभा में स्थानीय लोगों को ही टिकट मिलेगा। 10,000-12,000 लोग आए थे और ये निश्चय करने आए थे कि इस दफे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ना है और भारतीय जनता पार्टी के विधायक और अन्य विधायकों का जमाना जब्त करना है। इसलिए आज ये विशाल भीड़ जो लोगों के आज यहाँ पर आई है, इसे बताती है कि आगामी विधानसभा चुनाव एक अच्छा परिणाम देगा, हमारे लिए अच्छा परिणाम होगा। चंद्रपुर विधानसभा में पैराशूट लैंडिंग की बात कही जा रही है, 34 दावेदार जो भरे थे उनका नाम अभी वर्तमान में यहाँ पर जिस तरीके से बात निकल के आ रही है कि बाहरी को प्रत्याशी को दिया जाएगा। कोई पैराशूट लैंडिंग नहीं होगी। हम निवेदन करना चाहेंगे हमारे नेताओं को, हम निवेदन करना चाहेंगे हमारे पदाधिकारियों को कि चंद्रपुर क्षेत्र में कोई पैरा लैंडिंग नहीं होगी। हर हम चुनाव जीत के आ रहे हैं, ये हम बताना चाह रहे हैं। जी, आज का हम लोगों का जो कार्यक्रम था, एक हमारे परिवार की अंदरूनी मीटिंग थी, मतलब हमारे परिवार के साथ बैठ के हम ये पूछने के लिए सबको बुलाए थे। हमारे परिवार है पूरे, जिन लोग को यहाँ मौजूद हैं, कि हमें चुनाव मैदान में उतरना चाहिए कि नहीं चाहिए। हमारी दो चुनाव से गलती ये रही कि हमने उन्होंने से पूछा नहीं। इसके बजाय 2003 में जब हमने उन्हें पूछा था तो हमें पार्टी की भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी, हम निर्दलीय जीत के आए थे। आज वो काम फिर हमने किया है। हम जब अपने परिवार से कुछ सलाह